हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे शॉर्ट्स की एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है, मैं उसका लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ और जो व्यूवर्स के मतलब डाउट्स है वो भी क्लियर करूँगी इसमें मैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें दो रोटियाँ बेल लेनी है, पतली, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं पतली पतली, वैसे ही दो रोटियाँ बेल लेनी है और उसे एक प्लेट पर रख लेना है। प्लेट ज़्यादा बड़ी साइज की ना ले, थोड़ी छोटी साइज की ले। ये देखिए, अब इस पर हम एक अंडा फोड़कर डाल देंगे। मैंने कुछ वेजीज काट के रखी है, जैसे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद हम इसमें नमक और मिर्च डालेंगे। नमक को हमें इसे फैलाते हुए डालना है, एक ही जगह पर नमक नहीं डालना है। नमक सूखा वाला इस्तेमाल करें, जैसे गीला रहेगा तो एक ही जगह गिर जाएगा। और मिर्ची को भी इसी तरह से भुरकते हुए डालना है हमें। हम एक सीमित एरिया में बना रहे हैं इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नमक एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, नमक अगर सूखा रहेगा तो हम अगर उसे फैलाएँगे तो वो सब दूर बराबर से फैलेगा। और इसके अलावा और कोई मसाले ना डालें वरना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी उसे भी ऊपर रखकर हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे आउट साइड में और इसे सिकने के लिए रख देंगे। और मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी था कि ऐसा क्यों डाल दिया अंडा, मतलब फेंट के डालना था, तो फेंट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन फेंट कर डालने से ऐसा होगा कि उसका एक अलग टेस्ट रहेगा, वो ऑमलेट टाइप का लगेगा। लेकिन ये है, इसका एकदम अलग टेस्ट रहता है। जैसे कि वाइट वाला हिस्सा है जो उसका एक अलग टेस्ट आता है, जो येलो वाला है उसका एकदम अलग टेस्ट आता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो अलग टेस्ट आएगा, अगर आप फेंट के बनाते हैं तो उसका ऑमलेट जैसा टेस्ट आएगा। ये देखिए, लगभग एक मिनट के बाद हमें इसे कट करना है। और ये नॉन स्टिक में बना रही हूँ मैं, आप लोहे के तावे पे बना सकते हैं। और कट करते समय ध्यान रखें कि चाकू नुकीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अगर आप नॉन स्टिक पे बना रहे हो तो वो ख़राब कर सकता है पेन को। तो आप या तो फिर लोहे के तावे पे बनाइए तो नाइफ से कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर नॉन स्टिक पे बना रहे हैं तो चम्मच की सहायता से उसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, दो मिनट हो चुके हैं लगभग, फिर मैंने ये प्लेट हटा दिया है आराम से और ये एक साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। वैसे ही हमें दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से पकाना है। लगभग 10 मिनट लग जाते हैं ये रेसिपी में, इसे अच्छे से हमें पकाना है। बहुत से लोगों का रह गया है कि रोटी कच्ची रह जाती है तो कच्चा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें वीडियो छोटा दिखाना पड़ता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 20 सेकंड में हमने बनाकर खा लिया। ये इसे बनाने में लगभग 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। ये देखिए, अगर जहाँ जहाँ से कच्चा है उसे मतलब ऐसे पकड़िए चिमटे से और ऐसे मतलब दबाते हुए उसे पकाना है हमें। और मीडियम फ्लेम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे मतलब पलट पलट के और दबाते हुए पकाना है इसे। ये देखिए, जहाँ से कच्चा लग रहा था तो मैंने चिमटे से उठा के उसे अच्छे से मतलब पकाया है। थोड़ा सा फिर और ऑयल डाल देना है, अच्छे से प्रेस करते हुए हमें सब दूर से इसे पका लेना है। भी कच्चा नहीं रहता है ये, बिल्कुल भी डाउट ना रखिए आप कि कच्चा रह जाता है ये। मतलब बहुत लोगों का लग रहा था, यही कमेंट आ रहा था कि ये तो कच्ची रोटी है, कच्ची रोटी, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखिए, अंदर की तरफ हमने एक डाला था वो पूरा पक गया है, तो मतलब कैसे रहेगा कच्चा, रोटी कैसे कच्ची रहेगी। और दोनों रोटी के बीच में तो अंडा है, वो पक गया है तब, तो रोटी कैसे कच्ची रहेगी। ध्यान रहे अंडा एकदम ठंडा यूज़ ना करें। ये देखिए, वाइट और येलो का इनका अपना अलग एक अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी, प्लीज़ फॉलो करती रहिए। तो चलो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।